एक मजे की बात ये है कि पीछे तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे सामने यहाँ पर बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है। तो हम इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ आगे की तरफ राइड कर व्लॉग। तो जी अभी हम बैठे हैं नेशनल M9 हाईवे के ऊपर और अभी जा रहे हैं हम इमरजेंसी टूर। इमरजेंसी टूर इसलिए है कि ये 5 मिनट या 10 मिनट पहले हमें कॉल आई है कि आप रेडी हो जाओ और सारिद भाई को यहाँ से पिक कर लो। सारिद भाई कराची से आए, ठीक है, कराची से आए इस टूर के लिए, थर जा रहे हैं और हमें कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है कि जा कहाँ रहे हैं थर में एक्चुअली। तो अभी जाएंगे, जो टूर का प्लानर है उससे पूछेंगे थर में जाना कहाँ पर है और फिर आपको गाइड करेंगे। चलें भैया रास्ते में चलते हैं और फिर वहाँ पे आपको बताते हैं सारा। और हाँ अभी हो रहा है मगरिब का टाइम और हम मगरिब के टाइम निकल रहे हैं यहाँ पर, तो पूरे रात सफ़र करेंगे और जो जो हमें मतलब जो कुछ होगा वो सुबह के टाइम ही होगा। तो मैं रात के टाइम कोई ब्लॉग शायद ही बनाना था तो सुबह के टाइम बनाएंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है बारिश और वो भी हैवी, तो अल्लाह खैर करे आगे हमें इतनी बारिश ना मिले। सामने की अलैकुम, सुबह खैर। अभी हम रात के निकले हुए हैं, रात की क्या शाम में हम निकले थे और पूरी रात हमने सफ़र किया और आपने देखा था कि पीछे कितनी बारिश थी, रात को पूरी रात बरसात हुई है रास्ते में ना। हम और हम तकरीबन रात के 2 बजे 2:30 बजे हम नंगर पार कर पहुँचे हैं और अभी पहुँचे नहीं, रास्ते में ही हैं। मतलब हमने स्टे किया था, कुछ हमारे जानने वाले थे यहाँ पर तो इधर स्टे किया है और अभी यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर आगे नंगर पार कर है। तो प्लान ये है कि हमने आगे जाके गौरी टेंपल, मारवी का कुआं और जो के यहाँ की आइकॉनिक चीज़ है जो कि इधर बुद्धिसर की मस्जिद है और एक मंदिर है, तो वो जाके जाएंगे और कुछ कुछ यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह भी हैं वो भी विज़िट करेंगे, डैम है। तो आगे चलते हैं, अभी नाश्ता हमने कर लिया है, अब बस तैयारी पकड़ते हैं और आगे की तरफ निकलते हैं। तो आगे के सीन आ गए। अभी हम जा रहे हैं नंगर पार्क की तरफ और मेरे साथ हैं भैया हमारे कज़न सैयद समद शाह और पीछे हैं साजिद बलोच उस्ताद जी और मेहमान भाई। तो अभी जा रहे हैं नंगर की तरफ और बाकी की सीन आपको रास्ते में दिखाएंगे। Thank you.
एग्जांपल 13वीं सेंचुरी के एक नायाब और उम्दा आर्ट का एक पीस वर्क है, जो कि जिनके फॉलोअर जो कि रिलीजन हुआ करता था यहाँ का, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। अच्छा, ये जो है 12 कमरों के अंदर पर मुश्तमिल है और वाइट संगमरमर से इस पूरी इमारत को बनाया गया है, जो कि जोधपुर स्टेट से लाई जाती थी। तो अभी 13वीं सेंचुरी की है तो काफ़ी खस्ता हालत है। वेल की हिस्ट्री ये है कि उमरकोट का एक राजा हुआ करता था, जो कि जिसके ऊँट यहाँ से गुजरा करते थे। तो जो मारवी थी वो कुएं से पानी भरा करती थी, तो वो उसको पसंद आ गई। तो जो उमर था, जो उमरकोट से था, वो उसको लेकर उमरकोट चला गया। तो इनकी कुछ अनबन हुई कुछ है, और ये मारवी को इसने कैद भी रखा काफ़ी सालों तक, और बाद में उसको रिलीज़ कर दिया। तो इनकी कुछ मतलब दास्तान पूरी नहीं हुई और ये इस तरह से कंप्लीट हुआ था। अब लोग काफ़ी लोगों की काफ़ी उसमें हैं, हिस्ट्री बताते हैं। अब कंफर्म नहीं पता है कि मुझे कि ये सच भी है ये बात या कुछ और मसला था इसकी। सेंचुरी पहले हो गया। बहुत ही नायाब आर्ट वर्क है 15वीं सेंचुरी का, और बहुत ही ब्यूटीफुल बनाई गई है, जो कि शाइनिंग एंड वाइट मार्बल से बनाई गई है। अच्छा, ये बनाई गई थी महमूद शाह बिन मुजफ्फर शाह ने, यहाँ पर जो गुजरात के थे एक्चुअल में, उन्होंने ये मस्जिद बनवाई थी 15वीं सेंचुरी में। जिसके जो आर्ट वर्क थे वो जीवनी शायद कोई कौम है और हिंदू, ये इन दोनों ने आपस में मिलकर ये मस्जिद बनाई थी। अच्छा होती है।
पर हमने स्टॉप लिया है और इस हरियाली ने ना हमारा दिल जीत लिया है। ऑनेस्टली बहुत ही मतलब हमने इंजॉय किया इस रूट पर और बहुत ही मज़ा आया। अभी हम रास्ते में रुके हैं और ये पीछे ना हरियाली चेक करें, और एक मज़े की बात ये है कि पीछे तकरीबन 2 से 2.5 किलोमीटर आगे सामने यहाँ पर बॉर्डर है, इंडिया का बॉर्डर है। तो हम इंडिया के बॉर्डर के साथ साथ आगे की तरफ राइड कर रहे हैं और आगे हम जा रहे हैं विलेज का नाम मैं भूल गया। अब वो विलेज जाते हैं और आपको वो विलेज भी दिखाते हैं, और वो विलेज भी बहुत खूबसूरत है। अच्छा जी, नंगर पार्कर से हम वापसी की तरफ हैं और अभी जा रहे हैं हम थरकॉल प्रोजेक्ट की तरफ, और वो भी आपको दिखाते हैं कि वो प्रोजेक्ट कैसा है। अंदर तो हमें जाने की परमिशन नहीं मिली, तो बाहर से दिखाते हैं आपको। जो उसका सामने ग्राउंड नजर आता है वो अपना टेनिस वाला दूसरा तीसरा हां नजर आता है, सही ऐसे ही है ना? हां ऐसे ही। टायर भी रखे हैं, स्टील की पूरी बनी हुई है एक एक। जिम वगैरह सारा सामान नजर आता है सारा। तो अभी हम ऊपर की तरफ चढ़ रहे हैं न्यू गट्टी बीट मिट्टी की तरफ, और इसकी चढ़ाई आप चेक करें कैसी है, बिल्कुल स्टीप ऊपर। का जो मॉन्यूमेंट है वो विजिट किया, और मतलब इतनी स्टीप हाइट है इसकी कि हम चलते चलते सांस फूल गया और अब वापस जा रहे हैं हम, क्योंकि आगे तक कार नहीं आती। और वाकई में यहाँ से मतलब कुछ स्टीप चढ़ने के बाद वाकई में आपको व्यू देखने के बाद वो आपको हैरान कर देगा। और मैं समझता हूँ कि अगर कोई मतलब मगरिब के टाइम जो आएगा ना मतलब, तो वो मतलब वो रोशनी भी देख लेगा, और अगर एक घंटा यहाँ पर स्पेंड करे तो वो नाइट की जो रोशनी है मिट्टी शेर की वो आपको पूरी नज़र आएगी।